जो मैं इसकी प्राइस बताने वाला हूँ भाई, उसके लिए दिल थाम के बैठ जाइए। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम हिशीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। भाई आज मुझे इतनी जो है हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है उन लोगों के बारे में सोच के। पूरी वीडियो के बारे में अपन बात करेंगे किस रिगार्डिंग ये वीडियो ने वाली है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम करने वाले हैं आईफोन का गिवअवे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर। अगर आप वो लकी विनर बनना चाहते हैं जिसको आईफोन मिले, तो भाई देर किस बात की, फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। जब तक हम बात करते हैं क्या कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइज ये है अपनी ई लूना जो काइनेक्टिक ग्रीन की तरफ से आती है। प्राइस सुन के तो भाई आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, लेकिन उससे पहले अपन चाबी की बात करें तो भैया ऐसी कुछ चाबी अपन को देखने को मिल जाती है और फुली इंडियन मेड प्रोडक्ट जो है ये आपको ओवरऑल देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओवरऑल अगर इसके फीचर्स वगैरह की बात करें या फिर ओवरऑल जो कैपेसिटी वगैरह आपको मिलती है उनकी बात करें, क्यों ये अपनी ओला एथर वगैरह से ज़्यादा बढ़िया अपन को मिलता है उसकी बात करें, तो डिटेल में सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी के लुक पे चलते हैं अपन। और सबसे पहले फ्रंट लुक से यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो सबसे पहले तो पूरा लोहे का आपको इसकी बिल्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा प्लास्टिक फ्रंट के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ लाइट्स आपको मिल जाती है जो कि बिल्कुल एकदम पुराने जमाने बाबा आदम वाले जमाने का जो बल्ब होता है वैसा कुछ आपको बल्ब यहाँ पर मिलता है। ये जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो, आपने बजाज पल्सर के अंदर इसको खूब देखा होगा, वहीं से जो है निकाले हुए हैं। और मतलब पूरा ओवरऑल पूरी असेंबल भी इंडिया में हुई है, बनाई हुई भी इंडिया के अंदर ही है, इसलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा स्पेशल आपको मिलने वाली है। वेल यहाँ पर उसी के साथ में ऐसे कुछ टायर आपको देखने को मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल की बात करें तो 2.50/16 और यहाँ पर जो है कंपनी TVS की अपन को मिलती है इसके अंदर। और ऐसे कुछ पूरी आपको तड़ियाँ मिल जाती है, कोई अलॉय वगैरह इसके अंदर नहीं है। फ्रंट के अंदर ऐसे कुछ आपको सस्पेंशन इसके अंदर मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पर ऐसे कुछ आपके पास रिफ्लेक्टर हो गए, कोई डिस्क वगैरह कुछ नहीं है भाई, क्योंकि स्पीड ही गाड़ी की 40 जाती है, 40 से ऊपर ही गाड़ी जाती ही नहीं है। उसी के साथ में गाइस यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, और अपने पास रबड़ मैट भी इधर हो जाता है जिससे आपका सामान यहाँ पर गिरे ना। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें भाई, क्योंकि स्पेस गाड़ी के अंदर आगे भी दे रखी है और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया जो है बैक स्पेस आपको मिल जाती है, तो कितना क्या सामान रख सकते हैं। तो अगर आपका जो चलाने वाला राइडर है वो 100 किलो का भी है तो भी वो आराम से 150 किलो का सामान इसमें कैरी करके जा सकता है। और उसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो हवा पास वगैरह होने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन दे रखा है। वेल उसी के साथ में फुट स्टेपर्स, फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों आपको इसमें मिलते हैं। ऐसे कुछ आपके पास रियर टायर इसका देखने को मिलता है। और टायर की अगर यहाँ पर बात करें तो भाई TVS का ही टायर है रियर के अंदर भी, हालांकि सेम प्रोफाइल आपको फ्रंट और रियर की मिल जाती है, लेकिन रियर का जो टायर है वो थोड़ा सा आपको अलग यहाँ पर मिलता है। बाकी अपने पास यहाँ पर इसकी ब्रांड वगैरह लिखी हुई TVS टायर, और पूरा प्रोफाइल वगैरह भी आपको इधर देखने को मिल ही जाता है। वेल यहाँ पर जो है ड्यूरा टायर जो है अपन को देखने मिलता है। उसी के साथ में दो जने क्या आराम से 4 जने भी बैठा के लेकर जा सकते हो जैसे आपकी कैपेसिटी इसकी है, तो ऐसा नहीं कि कहीं दबने की वगैरह इसके अंदर शिकायत वगैरह आती है, अच्छी खासी कैपेसिटी है और लोड वगैरह तो आराम से डालता है। इनफैक्ट इसके अंदर मोड्स भी डिफरेंट मिलते हैं, करेंगे उनके बारे में बात। लेकिन आपको सबसे पहले पीछे ऐसे कुछ गार्ड मिल जाता है और रियर के अंदर ऐसे कुछ प्लेटिना की लाइट मिल जाती है। भाई प्लेटिना की लाइट यहाँ पर सीधे सोर्स करके लगा दी, तगड़ा लेवल का काम चल रहा है भाई। इधर रिफ्लेक्टर अपन को मिल गया, काइनेटिक ग्रीन की बैजिंग आपको इसमें मिल जाती है। पीछे आपको जो है इसके अंदर ऐसे कुछ शॉकर्स मिल जाते हैं जो कि सिंपल है भाई, कोई ज़्यादा ऐसे कुछ कंफर्ट ओरिएंटेड सॉकर्स वगैरह नहीं है, पर हाँ ठीक है काम वगैरह आपका यहाँ पर चल जाता है। यहाँ पर फुट स्टेपर हो गए, और अगर आपको मेन स्टैंड पे खड़ी करनी हो तो कर सकते हो, साइड स्टैंड भी आपको मिल जाता है। और भाई उसी के साथ में इधर आपको सेफ्टी गार्ड्स मिल जाते हैं, गाड़ी वगैरह नीचे गिरे तो आप आराम से बचा सको। यहाँ पर आपको कुछ भी कैरी वगैरह टाँकना हो, बैग वगैरह कुछ टाँकना हो तो आप टाँक सकते हो। इधर भी आपको रबड़ मिल जाता है जैसे स्लिप वगैरह नहीं हो आपका सामान। बाकी हैंडल आप जो है एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इलोना की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है। पियानो फिनिश ओवरऑल आपको पूरा इधर कंसोल मिल जाता है। वेल यहाँ पर लगाते हैं चाबी, और चाबी लगाने के बाद में इसको जैसे ऑन करेंगे तो गाइस ऐसे कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है कि कितने किलोमीटर चली हुई है, कितनी बैटरी चार्ज है। फुल नहीं है बैटरी, लेकिन फिर भी आपको जो है ओवरऑल यहाँ पर लगभग 1/3 कम है बैटरी। बाकी अपने पास अलग अलग मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ट्रिप ओडो वगैरह आप कर सकते हो। और इधर 0 किलोमीटर वगैरह कितनी चलेगी वो भी आपको बता देती है। इधर आपको ये रेंज ऑफर कर देती है, इधर आपको रेंज बता देती है कि आपकी गाड़ी की रेंज कितनी है। जैसे मैं थोड़ी सी आगे लेकर चलूँ इसको, जैसे हल्की सी रेंज दूंगा, रेंज के 3 मोड आपको इसमें मिलते हैं, 1, 2 और 3। और उसी के साथ में यहाँ पर अभी 3rd मोड पे 51 किलोमीटर की रेंज बता रही है। इसको थोड़ा सा कम करूँ, 66 किलोमीटर की रेंज बता दी इसने इको मोड में, और नॉर्मल मोड में ये बता देती भैया 57 किलोमीटर की रेंज, और स्पोर्ट मोड पे करते 51 किलोमीटर की जो है रेंज यहाँ पर इसने ऑफर कर दी है। वेल उसी के साथ में यहाँ पर ऐसे कुछ आपको पूरे हाई बीम लो बीम के कंट्रोल मिल जाते हैं, इंडिकेटर के आपको कंट्रोल इधर मिल जाते हैं, ऐसे कुछ हॉर्न आपको मिल जाता है। और इधर अपने पास लाइट्स का आपको अगर ऑन
और ऑफ करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलता, ना कोई रीजनरेशन, ना कुछ, ना कोई मैप्स वगैरह। और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। यहाँ पर ORVM आपको मिल जाते हैं जो भी इससे कोई कुछ खास काम के यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं, मतलब बहुत अलग सा ही विजन ये आपको वहाँ पर ऑफर कर देते हैं। वेल उसी के साथ में यहाँ पर अगर इसके रेंज की बात करें तो 110 कंपनी क्लेम करती है इसकी रेंज, बट ये रियल लाइफ कंडीशन के अंदर 80 से 85 किलोमीटर आराम से चली जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 की MPH इसकी टॉप स्पीड है, इससे ऊपर नहीं जाती है गाड़ी के अंदर। आपको अगर ये आप गाड़ी लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, RTO वगैरह सब पे करना पड़ेगा। वारंटी आपको इसकी मिल जाती है पूरे 3 साल की, और इसके अंदर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मिल जाता है। वेल उसी के साथ में जो मैं इसकी प्राइस बताने वाला हूँ भाई, उसके लिए दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि प्राइस इसका होने वाला है नेक्स्ट लेवल खतरनाक। प्राइसिंग की अगर बात करें तो लगभग 81,000 की इसकी प्राइसिंग है और ऑलमोस्ट 91,000 तक ये गाड़ी जाती है। हाँ भाई 91,000, जहाँ पर आपके पास ओला एथर वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन भाई बहुत सरप्राइजिंगली, मतलब यार ये गाड़ी इंडिया में बन रही है, सब कुछ है, बट फिर भी जो है इतनी महंगी। ओवरऑल लोहे की पूरी बॉडी है इसकी, लेकिन भाई फिर भी इतना ज़्यादा जो है पार्ट शेयरिंग अपन को बजाज प्लेटिना वगैरह इन सब से मिल जाएगी, डिस्कवर वगैरह से। और ओवरऑल मतलब लूना का नाम जहाँ पर आ गया वहाँ पर यही है कि भाई सामान वगैरह रख के ले जाना करना, पर लूना एक तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे ख्याल से 25,000 रुपये के अंदर, 30,000 रुपये के अंदर ही अपन को मिल जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं 80-90 हज़ार रुपये इस गाड़ी के ऊपर लगाना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। अगर 45,000 रुपये की आप TVS की वो हैवी ड्यूटी भी ले लोगे तो भी ऑलमोस्ट आराम से इतना आप तेल जलाओगे नहीं जितना आप इसको एक बार में लेके अपना पैसा ब्लॉक कर दोगे कहीं ना कहीं। और भाई मेरे को तो कहीं से भी सेंस नहीं लग रहा इस गाड़ी को लेने का जिस प्राइस बैंड में आ रही है, भले कितनी एसेसरीज आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। पहले उसी के साथ में यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।